गीत को गाया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि आपने मदद किया हम सबको गीत को गाने में, अलग अलग भाषा का गीत और अलग अलग भाई बहन लोगों ने गाया प्रभु जी। सबके ऊपर प्रभु जी आप आशीषित करना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं अभी इस घड़ी के लिए प्रभु जी, जब आपके वचन आपके दास के द्वारा, मिश्रा अंकल के द्वारा प्रभु जी आपके वचन को सुनेंगे प्रभु जी, आपसे विनती है प्रभु जी हम सब के हृदय से मनोज से प्रभु जी आप बात करें, ताकि आपके प्रेम और आपके अद्भुत को जानकर प्रभु जी आपकी और बड़ाई प्रशंसा और आपके और करीब आ सके प्रभु जी। आपसे विनती प्रार्थना है प्रभु जी। एक बार फिर प्रभु जी जो लोग अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं प्रभु जी, उनको भी प्रार्थना करते हैं सुरक्षित ले आए प्रभु जी, और प्रभु जी सभा में सबको शांत रूप से बैठकर आपके वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करके सुनने के लिए प्रभु जी आप हम सबकी मदद कर दीजिए प्रभु जी। और जिन सभी को ले आया प्रभु जी सुरक्षित, उनके लिए भी प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं। इस सारी धन्यवाद की प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। छोटा है लेकिन दिन बड़ा कैसे हो गया, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पर आया, इसलिए इसको बड़ा दिन कहा। बहुत बड़ी चीज है, ईश्वर की बड़ी कृपा हुई प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, वो हम देखेंगे किस लिए। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ वो बड़ा दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मारा गया वो भी एक बड़ा दिन है, क्योंकि परमेश्वर मर नहीं सकता। परमेश्वर का जीवन उसके अंदर है, हमारा जीवन कई चीजों पर निर्भर करता है, ऑक्सीजन पर, खाने पर, पानी पर, अगर नहीं मिलेगा तो जनी को मर गए। लेकिन परमेश्वर किसी पर निर्भर, यीशु मसीह मर गया, बड़े अचंभे की बात है। वहां पर एक वर्ड है वंडरफुल, पीलातुस को अचंभा हुआ, यीशु मसीह कैसे मरते,
यशायाह नबी की किताब उसका 7:14 में लिखा हुआ था, उनका जन्म कुंवारी कुंवारी से हुआ, अर्थात पवित्र आत्मा से हुआ। समझिएगा, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह का जन्म यूसुफ के शुक्राणु और मरियम के अंडाणु से भी नहीं, पवित्र आत्मा से। उनका जन्म कैसा होगा? कुंवारी से जन्म, पहले से लिखा हुआ था। ऐसा किसी के बारे में लिखा हुआ है इस दुनिया में? बड़े बड़े संत नबी और महापुरुष संसार में आए, किसी का जन्म इस प्रकार से? दूसरा है, किस गांव में उनका जन्म होगा? वाह, ये बात भी पहले से लिखी हुई। क्या लिखा हुआ है? बेतलहम गांव में वो मीका का। हम पढ़ नहीं रहे क्योंकि हमारे पास इतना अधिक समय नहीं है। किस गांव में उनका जन्म होगा, ये बात भी पहले से लिखी गई। बाय द वे, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, बाइबल में 7 ऐसे नाम है लोगों के जो नाम परमेश्वर ने उनके पैदा होने के पहले, कितने नाम है? 7 नाम। वो आप राजेंद्रन भाई से पूछ लेना। आगे नेक्स्ट स्लाइड में, स्वर्ग दूत द्वारा उनके जन्म की घोषणा। जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो मरियम के पास स्वर्ग लूका की किताब में पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने कहा मरियम से, तुम्हें लल्ला होएंगे। तो मरियम ने क्या कहा? महाराज, मेरी तो शादी नहीं हुई, बच्चा कैसे? स्वर्गदूत ने क्या कहा? पवित्र आत्मा तुझ पर साया करेगा। स्वर्गदूतों की बड़ी भूमिका है यीशु मसीह के जीवन में, उनके जन्म लेने के पहले, जीवन के समय, मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान के और स्वर्गारोहण के बाद। पढ़ते ना, जब यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए तो क्या पढ़ते हैं? उनके चेले ऊपर को देख रहे थे, हमारे प्रभु जी चले गए तो 2 स्वर्गदूत आए। अरे ऊपर काहे के लिए देख रहे हो भैया? जो प्रभु ने कहा उसका हम कह दो। हम देखते हैं स्वर्गदूत द्वारा उनके जन्म की घोषणा हुई। ऐसे चाची बुआ जाके बताती ढोलक मजीरा बजता लल्ला हुए, लेकिन यहाँ पर स्वर्गदूत मरियम के पास आया, यूसुफ के पास आया, क्योंकि यूसुफ ने सोचा भाई इसके पेट में बच्चा है, मैं इससे अब शादी। स्वर्गदूत यूसुफ के, समझिएगा, जो आप सोचते हैं यूसुफ सिर्फ मन में विचार कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसके विचारों को जान लिया और स्वर्गदूत को रवाना किया और यूसुफ से कहा, जो मरियम के पेट में बच्चा है वो परमेश्वर की संतान है, उसे तो अपने पत्नी के रूप में लेने से मत डर, क्योंकि वो लोगों का उद्धार करने के लिए जन्म लेने वाला है। तीसरा हम देखते हैं गड़रियों को, किसको? गड़रियों, छोटे मोटे लोगों को। पौलुस पहले कुरिन्थियों के एक अध्याय में क्या लिखते हैं? हे भाइयों, तुम अपने बुलाए जाने को सोचो, परमेश्वर ने छोटे मोटे लोगों को, प्रभु यीशु मसीह के चेले कौन थे? मछली पकड़ने वाले, अनपढ़ लोग। पतरस के बारे में क्या पढ़ते हैं? अनपढ़ और साधारण लोग थे, उनको प्रभु ने गड़रियों को स्वर्ग, देखिए स्वर्ग दूत
महायाजक बन सके, ताकि बड़ी नम्रता और अद्भुत प्रेम, इसको मैं और एक एक सिंपल तरीके से प्रभु इस मसीह को दिया। प्रभु यीशु मसीह के संसार में आगमन का उद्देश्य संसार में प्रभु यीशु मसीह संसार में किस लिए आए? पहला है मनुष्य का पुत्र पापियों को ढूंढने या खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने। पहला उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह संसार में आगमन का उद्देश्य है लोगों को ढूंढना और उनका वे जानिए वो एक उद्देश्य से तहत इस दुनिया में आए थे, निरुद्देश्य नहीं आए थे। उनके आने का एक उद्देश्य था और पहला उद्देश्य क्या था? जो खोए जो भटके हुए हैं, खोया हुआ व्यक्ति कौन है जिसको पता नहीं कहां जा रहा है? आप लोगों से पूछे भैया मर जाओगे तो कहाँ जाओगे? लाला पता नहीं कहाँ जाए, तो वो खोया हुआ व्यक्ति। लेकिन जो एक विश्वासी होगा उससे अगर आप ये बात कहेंगे तो क्या कहेगा? प्रेस द लॉर्ड, में तो स्वर्ग में जाओ। तो पहला उद्देश्य है जो खोए हुए हैं, इस संसार में खो गए जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है उनको ढूंढना और उनका। वो बहुत
का उद्धार करना दूसरा उद्देश्य है शैतान के कामों का। दम मारो दम मिट जाए, हो गई टीवी पड़े आजकल कांसी आ रही। बिहार में एक आती है ना खैनी, क्या नाम उसका, चैनी खैनी, क्या नाम है, चैनी खैनी। मालूम है सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर पूरी दुनिया में बिहार में और यूपी में, क्योंकि खैनी आग रखते हैं और बाद में कैंसर हो जाता है। बॉम्बे में जाइए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, रोड में लोग पड़े हैं। नाम क्या दिया है, चैनी खैनी। और कैसी बेचैनी लाती वो आप कैंसर हॉस्पिटल में जाके देखिए, नाम क्या दिया है, चैन। इसलिए भाइयों परिवार का सोचो, अपने बारे में सोचो, कभी गलत चीज को आप शैतान के कामों का नाश करने। एक बार मैं जामनगर में था, पोस्टिंग में छुट्टी आ रहा था, हम लोग भी किसान खानदान से हैं, गाड़ी में बैठे हुए देख रहे हैं गाड़ी आ रही है और एक खेत के अंदर फसल खड़ी और बकरी चल रही है। फसल में बकरी छोड़ दी, तो हम बड़े ध्यान से देखने लगे, गाड़ी आ रही है धीरे धीरे करके। जब गाड़ी नजदीक पहुंची तो मैं देखा यार बकरी चर तो रही है फसल में, लेकिन फसल को नहीं खा रही जो पौधे हैं उसके अंदर, लेकिन उसके नीचे जो घास है उसको खा रही है। तो मैं बोला यार बकरी भी क्या है यार, इतना अच्छा हरा पत्ता उसको नहीं खा रही है, इसको खा रही है। जब और नजदीक आए तो देखा क्या यार, वो तम्बाकू का पत्ता। हिंदी आती ना इंग्लिश आती है, फिर भी तंबाकू को हाथ नहीं लगाती। यहाँ पे तो लिखा हुआ है हानिकारक है, नहीं लाला एक तो खिला दे हो। शैतान के काम करना। मैं ट्रेन में जहां भी किसी को मिलता हूँ तंबाकू खाते हुए या बीड़ी पीते हुए, कई लोग यहाँ तक नेवी में मेरे सामने ऑफिसर्स ने सिगरेट और माचिस, एक पोर्टहोल होता है जहाज के अंदर, उधर से भाग के, क्योंकि जो लोग सिगरेट पीते हैं तीन आदमी में से एक आदमी जरूर या कैंसर है हार्ट अटैक से मर जाता है, जो लोग तंबाकू खाते हैं उसमें से जरूर एक आदमी कैंसर है। इसलिए भाई और बहनों उसमें हाथ यीशु मसीह का शैतान के कामों का नाश। हम लोग गाना गाते ना, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन, गुटका तमाकू चल रहा है गाना गाए जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जब कह सकता हूँ जब से प्यारा यीशु आया, नेवी में मुझे 16 बोतल शराब की मिलती थी एक महीने में, अगर 16 बोतल एक महीने में पीता तो 75 साल की उम्र में यहाँ खड़ा होता, परम बुद्ध के लेटा होता कहीं अस्पताल। शैतान के कामों का नाम, बुरी चीज को हाथ ना लगाने, उद्धार देने के लिए शैतान के कामों का नाश कर। जब से मैं मसीह में आया मैंने कोई फिल्म नहीं, मैं कभी शराब लेता भी नहीं था, कई दफे लोग आते थे कि सर 2 बोतल मिल जाए, रिश्तेदार आ रहे हैं। मैं बोला भैया रू आप जा हॉर्लिक्स पिलाओ, काहे के लिए शराब पिलाओ, उनकी आदत खराब कर। शैतान के कामों का यीशु मसीह का उद्देश्य ये था, क्या लिखा हुआ है, जो कोई पाप करता है शैतान की ओर से है, तमाकू खा रहे हैं बीड़ी
कोई यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी चीजें जाती नहीं, सब चीजें नई होती। पुरानी आदतें खत्म हो गई भाई और बहनों। सोचिए परिवार के बारे में सोचे आप, आपकी जो इनकम थी वो खत्म हो गई, अब आपको मदद करने के लिए एक और आदमी करेक्ट। इसलिए भाई और बहनों, अगर आपने उद्धार पाया है तो शैतान के कामों से आप छूट जाइए। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि शैतान के कामों को परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की महिमा। आप जहां पर हैं आपके द्वारा क्या हो, परमेश्वर के नाम की। जहां भी हैं आप, जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप छोटे से छोटा काम करते हैं, लोग कहें यार ये भैया जब से हमारे कंपनी में आए बहुत अच्छे। मैं अपने बारे में नेवी में था, मैं ऑफिस में 15 मिनट पहले जाता, कोई ऑफिसर पहले नहीं आएगा, सब लेट ही आते। गए होंगे ना ऑफिस में, क्योंकि ऑफिसर लेट आएगा तो क्लर्क भी लेट आएगा। परमेश्वर की महिमा कर आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा। जो काम तूने मुझे दिया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर क्या किया है, तेरी महिमा की। तो तीन उद्देश्य, लोगों का उद्धार करना, शैतान के कामों का नाश करना और परमेश्वर की महिमा। लोग कहें ये व्यक्ति जो हमारे कंपनी में पर्ची काटने का काम मिला, सिलेंडर लेने जाते हैं ना तो पर्ची काटता है, पर्ची काटने का उसको काम मिला। तो जब दिन का काम खत्म हो गया तो जब वो पर्ची काटता था, 2-4-5 रुपए एक्स्ट्रा हर एक पर्ची में आ ही जाते। तो पर्ची काटने वाला क्या करेगा, दिन के अंत में पॉकेट में डाल लेगा। लेकिन ये विश्वासी भाई था जिसने क्या किया, जो भी पैसा एक्स्ट्रा आया मालिक को उसने हैंड ओवर कर। मालिक बोला यार ये बंदा तो जबरदस्त है, ऐसा तो कोई पर्ची काटने वाला नहीं मिला। उसने थोड़े दिन और देखा, उसने उसको गैस कंपनी का मैनेजर ही बना दिया। फिर उस मालिक के पास एक मोटरसाइकिल की कंपनी थी जिसका इंचार्ज उसका बेटा था। उसने कहा भैया हमारी मोटरसाइकिल की कंपनी भी देखो, देखो कितनी बड़ी परमेश्वर की महिमा। क्या आप ऐसे तीन उद्देश्य याद रखें, प्रभु यीशु मसीह के आने के तीन उद्देश्य, लोगों का उनके पापों से उद्धार करना, शैतान के कामों का नाश करना, जो भी बुरी आदतें उनको निकालना, परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा। गाने से महिमा नहीं होती, ढोलक बजाने से महिमा नहीं होती, आपके जीवन के द्वारा महिमा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम जगत की ज्योति हो, लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में अपने हृदय में। तभी क्रिसमस का असली आनंद आएगा, जब ही बड़े दिन का असली आनंद आएगा। ये तीन उद्देश्य
आगे बढ़ने के